बड़ा मियाँ, ये कैसी जिंदगी है, हमारे पास सिर्फ एक बनिया और स्त्री करने के लिए दर्जनों कपड़े, और वो भी उस औरत के जिससे हम बिल्कुल प्यार नहीं करते। या अल्लाह हम पर रहम कीजिए, या अल्लाह या हमें पूरे कपड़े दे दीजिए, या फिर स्त्री करने के लिए किसी हसीना के कपड़े दे दीजिए। क्या कर रहे हो? पाकिस्तान की आजादी पर तकरीर लिख रहे हैं। रहने दो, तुम जैसा सदा का गुलाम आजादी का मतलब क्या पता होगा। हाँ वैसे ठीक कह रही हो नौशी, हम भी सोच रहे हैं कि कोई इनकलाबी धरना या फिर आजादी की तहरीक चला ही दे। वाह 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 वाह, इतने भारी अल्फाज कहाँ से सीखे तुमने? ये तो हमका विरासत में मिली है, वरना हम तो सादा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मसलन? मसलन मसलन आई लव यू। औकात में रहे अपनी, दीवार से चिपका के इस्त्री कर दूंगी, स्टिकर बना फिरेगा फिर आई लव यू। जलील होने में कोई कसर रह गई हो तो मैं बाद में आ जाऊं। अरे नहीं नहीं, आई आई, हमारा आज का कोटा पूरा हो गया। और तू यहाँ किसे स्टिकर बना रही थी? तुम्हारे हीरो को। अरे वाह, अरे ये तो अच्छी बात है, हम हीरो और हमारी खैरन हीरोइन। अरे तौबा करो, मैं खैरन ही ठीक हूँ, और तू ये कपड़े लेके कहाँ जा रही है, भाग रही है क्या घर से? ए खैरन, नौशी किसी से डरती नहीं है जो घर से भाग जाएगी। मैं तो ये कपड़े तुम्हारे हीरो को दे रही थी कि इस्त्री कर दे। क्यों, इस घर में सारे के सारे तेरे नौकर हैं? खैरन, ये हमरा और नौशी का प्राइवेट मामला है, हम जाने और नौशी जाने। नौशी जी, आपके कपड़ों की VIP इस्त्री करके हम ये कपड़े आपके हवाले कर देंगे। हाय, थैंक यू वजीर, एक तुम ही तो हो जो इस घर में मेरे सारे काम कर देता है, वरना कुछ लोग तो जलते रहते, जलो जलो जल जल के मर जाओ। मैं तो चली, थैंक यू। वेलकम वेलकम। दुनिया में मुझे जलील करवाने के अलावा तुम्हारा कोई और मकसद है? अब ये तो सब किस्मत के खेल है खैरन, वरना हमारी का औकात? तुम्हारी औकात तो यही है जो तुम कर रहे हो। चलो जल्दी से मेरे कपड़े इस्त्री करो और लेके आओ। अरे इस्त्री है आपके कपड़े, लेते जाइए साथ में, बल्कि जो पहने हुए हैं उस पे इस्त्री फेर दें। ये इस्त्री तुम्हारे मुंह पे फेर दूंगी, कपड़े लेके आओ मेरे अंदर जल्दी, चलो आइए। तुम दोनों कहाँ थे कम्बा? वो किसान आए हुए थे ना, उनमें अनाज बांट रहे थे। अरे अम्मा कैसा बात कर रहे हो, घर में ही थे? और तेरा मुंह क्यों घुटनों तक लटका हुआ है? अरे अम्मा फजूल बातें नहीं करो, मेरा मूड नहीं। क्या मतलब, तेरे मूड की ऐसी की तैसी? अब मजा आए ना, अब बोलो क्या काम है? तुम दोनों बैठो, तुम लोगों से जरा जरूरी मशवरा करना है। अरे वाह, हम इतना अकलमंद हो गए कि अम्मा हमसे मशवरा मांगे। जी अम्मा बोलो। वो तेरी खाला है ना, उसके यहाँ 2000 महीने पे 50,000 रुपए की कमेटी पड़ रही है। मैं सोच रही हूँ मैं भी कमेटी डालूं, क्या ख्याल है तुम लोगों का? वाह अम्मा वाह, कितना इम्पोर्टेंट डिस्कशन किया आपने हमारे साथ, शुक्रिया, आपने हमें इज्जत दी। आप ये 50,000 की कमेटी से बाहर क्यों नहीं निकलती हो? क्या मतलब? अरे इनका कहने का मतलब है कुछ बड़ा सोचिए ना। क्या बड़ा सोच, बैंक में डकैती मारूं क्या? अरे अम्मा बैंक में कहां से डकैती मारेंगे, अगर पुलिस आ गई तुमसे तो भागा भी नहीं जाएगा। अरे तो फिर क्या करूं? अम्मा बड़ा सोचो, बड़ा जैसे के तरबूज, जैसे के जिहाज। ए, ये किस चीज की आवाज है? अरे अम्मा आवाज तो जहाज की लग रही है यार। अरे लेकिन इतना करीब से गुजरा जहाज, ऐसा लग रहा है कि जहाज में हम खुद बैठे हुए हैं। हाँ, पहले कभी तो जहाज हमारे घर के पास से गुजरा ही नहीं है। अरे दफा करो, चलो छोड़ो इसको, तुम एक काम करो, तुम जाओ जरा अपनी खाला के पास। क्यों, क्या हुआ? उनको हार्ट अटैक हो गया? तेरे मुंह में खाक, उससे ठीक हो जाएगा। बकवास ना करो, जाओ जाके उनसे पूछो कि कमेटी किस महीने में पड़ रही है, ताकि हम भी उसमें शामिल हो जाएं। अच्छा, बस सारे काम मुझसे कराओ, हर कमेटी की TTPT में ना आप मुझे डाल दिया करो। इसको भेजो ना। ए, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें बहुत जरूरी काम है। क्या काम है आपको? बहुत जरूरी काम से ऊपर पतंग उड़ाना है। पतंग उड़ा रहे? अगर तूने मेरे मांझे को हाथ लगाया ना, मैं तेरे भांजे को उसी मांझे से मार दूंगा। भांजा मांझा नहीं करो, वरना एक सांझा कर देंगे तुम्हारे साथ। तुम मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं? तुम लोगों को मैं क्या कह रही हूँ? अरे कौन है भैया, कहाँ हो? बब्बन। अरे बब्बन भैया घर पे नहीं है, बाद में आना। अबे बावले, मैं बब्बन हूँ, दरवाजा खोल। अरे बब्बन भैया, आप ही गए? आप ही गए क्या मतलब, 20 मिनट से गया हूँ मैं। अरे 20 मिनट में खाला के घर से होके भी आ गए? खाला के घर में गया ही नहीं था। अरे वाह, तफरी करके आ गए और खाला के घर नहीं गए? तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तफरी कहाँ से करके आया हूँ मैं, इसको लेके आया हूँ, आओ आओ अंदर आओ। अरे अम्मा अम्मा। अरे प्यारे, अबे बात तो सुन,
ये कौन था? ये मेरा बहुत प्यारा भाई है, बहुत प्यार करता हूँ मैं इससे। बेगम तुम परेशान ना हो, हमारे सारे काम यही करेगा। आज मैं मुझे दे दो सामान। चल आज अम्मा 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 अम्मा। अरे क्या हो गया, क्यों गला फाड़ रहा है? अरे फाड़ेगी तो अभी आप अपन भैया का सर। क्यों, क्या किया बबन ने? अरे निकाह कर लिया है। क्या निकाह कर लिया, किससे? लग तो लड़की रही थी लेकिन है बहुत प्यारी, हमें भी ऐसी ही चाहिए। अरे बबन है कहाँ? अम्मा ये रहा तुम्हारा बबन तुम्हारी खिदमत में। अरे तूने हमें बताए बिना शादी भी कर ली, बताया भी नहीं। मुझे बताता तो मैं तरीके से रिश्ता लेके जाती। शादी, ये क्या कह रही है बबन? पता नहीं क्या कह रही है, बुढ़ी हो गई है ना अम्मा तो दिमाग जरा शार्ट हो गया है। क्या कह रही हो अम्मा? तूने निकाह कर लिया, हमें बताया भी नहीं। अरे अम्मा तुम्हारे मुंह में घी शक्कर में डालू लेकिन ये मेरी बीवी नहीं है। अरे तो फिर किसकी बीवी उठा कर लाए हो? मैं किसी की बीवी नहीं हूँ। अरे तो का सहर हो? फिर कौन है तू? मैं बता दो अम्मा, मैं बता दो अम्मा, सुबह वो जहाज की आवाज नहीं आ रही थी घर में? हाँ वो बेगोक का जहाज था उसका, जो अम्मा वो नहीं होता कंडक्टर, वो सुबह बीमारी पड़ गया तो उसने छुट्टी कर ली, तो अम्मा ड्राइवर जो था पायलट, हाँ पायलट अम्मा, वो जो पायलट था ना उसका, उसने कहा मैं आज खुद ही टिकट ले लेता हूँ, तो वो पीछे टिकट लेने जैसे गया अम्मा कल्टी। अक्का जहाज कल्टी? अरे नहीं नहीं वो चाय पी रहा था अंदर, वो कप कल्टी हो गया। अच्छा, अच्छा। तो वो जैसे कप उठाने के लिए झुका है, उसने ये उंगली डाली है कप के अंदर, उठा है ये उसका सर स्ट्रिंग पे लगा है, अम्मा स्ट्रिंग मुड़ा और जहाज कल्टी सब कल्टी सब सीधे हुए अम्मा। दोनों ने कहा जहाज को हो गई हम उतार देते, दोनों ने हमारे घर के पीछे वाले ग्राउंड में जहाज उतार दिया। अब मैं बोलूं? आप बोल लो। हाँ हाँ क्यों, एक्शन। मैं उसी जहाज की एयर होस्टेस हूँ, मेरा घर लाहौर में है। लग रहा है। मैं परेशान हो गई थी कि आप कहाँ जाऊँ, आपके महले वाले भी काफी छिछोरे हैं। इतने में बब्बन आ गया और उसने मुझे घर चलने की ऑफर की, तो मैं उसके साथ यहाँ आ गई। आज का दिन मैं आपके साथ ही गुजारूंगी। लेकिन तुम बब्बन को कैसे जानती हो? मैं रेडी स्टडी गो देखती थी ना। अरे वाह रेडी स्टडी बैंकॉक पहुँच गया भाई। अरे वो लाहौर में रहती है। अरे बब्बन भैया एक हमारे लिए भी ले आते। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। वैसे अम्मा आज ये पूरा दिन हमारे साथ रहेगी और रात को चली जाएगी। हमारे घर में तो खाने को कुछ नहीं। माफ करना पीलोफर, नीलोफर, हाँ वो भी साथ में, तो माफ करना पीलोफर, हमारे घर ना गरीबी पे नंबर वन पे आता असल में। कोई बात नहीं बबन, खाने के पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी। अरे वाह हमारे घर लेडी डायना है भी, एक काम कीजिए जरा 100 का इजी लोड तो कराइए। शर्म से डूब मरो यार। अम्मा ये बताओ अब्बा कहाँ है हमारा? थोड़ा सा अब्बा, वो तेरे अब्बा को ना मैंने रिमोट के साथ यहीं सोफे पे रखा था, देख कहीं पीछे ना लुढ़क गए। अम्मा मैं उसको छुपा दूं, इससे पहले अब्बा इसको देख ले और फिर देखते ही रह जाए। हाँ हाँ जल्दी जल्दी कमरे में छुपा दीजिए, जाइए। क्यों ऐसा क्या करते हैं तुम्हारे अब्बा? अरे हमारे अब्बा एक नंबर के भेड़िया है भाई, ऐसा शिकार कर लेते फौरन को दिख जाए तो। बिल्कुल एक सेकंड की खामोशी करते भेड़िए पे। चलो जाओ 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 जल्दी जाओ, इधर उधर देख के जाना कहीं से भी निकल आते हैं। जाओ जाओ। अम्मा ये तो भाभी नहीं निकली, बहुत प्यारी है, शादी करा दो हमारा। चलो मैं बात करती हूँ। बात नहीं करो काम करो, शादी हम कर लेंगे। अच्छा अच्छा कर लेते, अभी खाने का बंदोबस्त तो करने दे। खाने नहीं खाएंगे क्या? आजो नीलोफर रास्ता साफ है एकदम। आई एम सॉरी बब्बन, तुम्हें मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई ना। अरे सॉरी कहने की क्या बात है, तुम इतनी अच्छी हो, मैं तुम्हारे लिए पित्ते का ऑपरेशन करवा के ना माथे पे लगवा सकता हूँ। So nice of you. वैसे नीलोफर मैं ये कह रहा था कि तुम यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लेके आया, तो फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे। अच्छा तुम एक काम करो, पैसे ले जाओ ठीक है, और सबके लिए खाना ले आओ। पैसे तो लेके जाने पड़ेंगे और सबके लिए खाना भी लेके आना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सबके लिए खाना नहीं लेके आया ना तो वो तुम्हें खा जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हारा सारा खाना खा जाएंगे, वो बुक कर लोगे यार। अच्छा चल रहा हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे सिकेरे का जुबा पे याद रखना, मेरा चंगा बा। या खुदा कहाँ फंस गई मैं, जहाज को भी यही खराब होना था, जी पागल फैमिली है। अरे शुक्र है अल्लाह मैं अब सुकून हो गया है। अरे ये हम बाथरूम से निकल के पड़ोसियों के बेडरूम में आ गए का? अरे ये हसीन लड़की कौन है? और ये तो हमरा ही घर है।
अरे डबल शुक्रिया अल्लाह मियाँ, डबल शुक्रिया। अरे शुक्र अल्लाह मियाँ, खैरन की जगह कोई और हसीन चेहरा भी नजर आया यहाँ। वजीर अहमद तिराई मार लो। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे... ओ बड़े मियाँ, कौन हो तुम और अंदर कैसे आ गए? अरे पहली बात तो ये कि हम बड़े मियाँ नहीं हैं। अरे ये तो हमने बालों पर सफेद रंग किया हुआ, और दूसरी बात हम अंदर नहीं बाहर आए बाथरूम से। ओ अच्छा, तो आप बाथरूम से बाहर आए। वैसे आप हैं कौन? अरे हम इस घर के मालिक हैं, नाम वजीर अहमद। और आप कौन हैं? मैं निलोफर, चिंगकॉन्ग एयरलाइन की एयर हॉस्टेस। ओ अच्छा, मगर आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो हमारा जहाज खराब हो गया था तो मैंने शाम तक आपके घर में पना ली है। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, अरे बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम तो आपको एक अहम इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। हम बताते चलें कि आपके शिनाख्ती कार्ड पर इसी घर का एड्रेस आ सकता है, अगर आप मिसेज वजीर बन जाएं तो। ओह ये तो बहुत अच्छी ऑफर है, अगर आप मुझे कुछ देर का टाइम दें तो। अरे बिल्कुल बिल्कुल, अरे 10 मिनट ले लीजिए, बल्कि इस 10 मिनट को भी जाया नहीं करते। इसमें आप हमें जहाज उड़ाना सिखा दीजिए। मुझे जहाज उड़ाना नहीं आता, मैं पायलट नहीं हूँ। अरे कोई बात नहीं, अब हम किसी और से सीख लेंगे, फिर हम जहाज उड़ाया करेंगे यूं यूं, और आप हमारे लिए जूस और खाना ला कर दीजिएगा यूं यूं। ठीक है ठीक है, पर अभी आप यहाँ से जाएं, मुझे आराम करना है। अरे आराम कीजिए ना, इस नरम बिस्तर पर आराम कीजिए, हम चलते हैं। ओके बाय बाय। पता नहीं जा नहीं पा रहा। ये तो बब्बन से भी बड़ी फिल्म है। थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अरे बस हमारा शादी नीलोफर से हो जाए, वो भी हमें अपने साथ जहाज पर ले जाएगी, सारा दुनिया घूमेंगे हम, कभी अमेरिका, कभी न्यूयॉर्क, कभी डेलास, कभी वाशिंगटन, सारी दुनिया देखेंगे। बहुत अच्छे प्यारे, बस ये अम्मा घेर ले इस नीलोफर को। हाँ अरे वाह भाई प्यारे, तुझे तो अब किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों हम का चांद पर जा रहे हैं? नहीं नहीं, वो तुम अपने आप से ही बातें कर रहे हो ना, इसीलिए अब तुम्हें कहाँ किसी की जरूरत पड़ेगी। नहीं ऐसा बात नहीं है नौसी, चाहे हम कुछ भी कर ले हमें आपका जरूरत हर वक्त रहता है। अबे यार प्यारे, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मेरी तुमसे जान छूट जाए? तरीका है, घर में ही घूम रहा है। चूहे मारने का जहर, लाओ लाओ खिलाओ खिलाओ खिलाओ। हर वक्त मारने मरने पे तुली रहती हो, कभी प्यार से भी बात कर लिया करो। ऐसा बात नहीं, हम बात कर रहे हैं नीलोफर की। नीलोफर वो क्या चीज है भाई? वो एयर हॉस्टल है। एयर हॉस्टल? हाँ, वो जहाज में चाय वाय नहीं देती वो लड़की। जाहिल के जाहिल ही रहोगे, एयर हॉस्टेस होता है। हाँ हाँ वही एयर हॉस्टेस, अगर उसने हमसे शादी करने के लिए हाँ कर दी ना तो आपका जान बच जाएगा। प्यारे तुझे पता है मुझे भी ना एयर होस्टेस बनने का बहुत शौक था, मैं भी देखूंगी। अरे वाह, तो फिर जाके मिल लीजिए, हमारे लिए भी बात कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, एक तीर से दो निशाने भाई, बहुत अच्छे। तुम इधर ही रुको, मैं भी आती हूँ एयर होस्टेस। जाओ जाओ। वाह प्यारे, होने वाली बेगम को अपने ही रिश्ते के लिए भेज दिया, कितना चालाक हो तुम। अरे तुम यहाँ अकेली हो लोफर? जी बहुत मेहनत करनी पड़ती है ऐसे अकेले बैठने के लिए। खैर आप बताइए कैसा आना हुआ? मेरे दो काम है जो तुम कर सकती हो। दो काम बोलिए। एक तो तुम मुझे भी ना एयर हॉस्टेस बना दो। एयर हॉस्टेस? ये तो नामुमकिन है, आप ओवर एज हैं। क्या हूँ? मेरा मतलब है आपकी उम्र ज्यादा है। अच्छा तो फिर मुझे कुछ और बना दो, मतलब जो तुम लोगों की ट्रेनिंग है ना वो मुझे भी सिखा दो, जिस तरह तुम लोग बोलती हो, जिस तरह चलती हो। हाँ ये हो सकता है। और आपका दूसरा काम? दूसरा काम ये है कि वो जो मेरा बेटा है ना प्यारे, तुम उससे शादी कर लो ताकि वो भी अमेरिका घूम के आ जाए। वो चश्मे वाला? ये भी नामुमकिन है। वैसे मेरे पास शादी की और भी दो दरख्वास्तें हैं आपके घर से। दो दरख्वास्तें? अच्छा एक तो बब्बन की होगी, दूसरा वजीर है क्या? हाँ वो वजीर भी कवारा घूम रहा है। कवारा? शहर है वो मेरा। अच्छा बात सुनो, तो मेरे दोनों बेटों में से ना किसी एक से शादी कर। ये तो मैं सोच के बताऊंगी कि मुझे किससे शादी करनी है। हाँ भाई क्या हो रहा है? ये कौन है? मुझे नौशी कहते, और तुम जरूर वो एयर होस्टेस होगी जो हमारे घर पे उतरी है। हाँ
मैं नीलोफर। अच्छा नीलोफर, तुम मुझे भी एयर होस्टेस बना सकती हो? आप भी मतलब और कौन? मतलब ये भी एयर होस्टेस बनना चाहती हैं। सैरत तुम तो खुदा का खौफ करो, तुम अगर एयर होस्टेस बन गई तो लोग जहाज में सफर करना छोड़ देंगे। बकवास बंद कर। अच्छा अच्छा, आप दोनों लड़े मत, मैं आप दोनों को अच्छी सी ट्रेनिंग दूंगी एयर होस्टेस बनने की। हाँ हाँ ठीक है, चलें आप लोग बैठे, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करें। उधर बैठ। पहले आप लोग हाथ यूं करें, भाई अब्बा क्या कर रहे हैं? मेरे को लग रहा है अब्बा ना 2000 फुट की बुलंदी में ना खुद ही उड़ रहा है। लो भाई, जिसका डर था वही हो गया क्या? अरे यार, मुझे तो लग रहा है कि अब्बा को नीलोफर मिल गई है। मेरी नीलोफर है। नहीं ऐसी बात नहीं बाबर भैया, रिलैक्स, नीलोफर की लाइन में हम भी हैं। ओ, पहले मैं अब्बा से निपट लूं, फिर आके तेरी औकात तुझे याद दिलाता हूं। क्या हो गया? अरे जहाज उड़ा रहे हैं, दिख नहीं रहा? कौन सा जहाज उड़ा रहे हो? धमाकी जहाज उड़ा रहे हो? अरे वो तुम लोग उड़ाओ, हम तो नीलोफर के साथ जहाज में रहा करेंगे। लो भाई, पड़ गई भेड़िए की नजर बकरी पे। अरे नजर पड़ नहीं गई मुन्ना, नजर मिल गई और दिल भी। अब्बा औकात में रहो आप। अरे अब्बा तो मैदान मार चुके। अम्मा अम्मा। ख्वातीनो हजरात, आपसे गुजारिश है कि अपनी आवाजें बंद और आंखें खुली रखें। अरे ये अम्मा को कौन सा भूत सवार हो गया है? अरे अम्मा क्या हो गया यार, इस घर में हर कोई जहाज बना क्यों घूम रहा है? ख्वातीनो हजरात, बराए मेहरबानी अपनी बकवास बंद करें, खाने की टेबल को इस तरह बंद करें और अपने हिफाजती नाड़े बांध, शुक्रिया। अरे देखिए, तुहार अम्मा पागल हो गई हैं और नीलो फर से इम्प्रेस हो गई हैं। वजीर, आप अपनी जबान बंद करें वरना 20,000 फुट की बुलंदी से आपको नीचे धक्का देके फेंक दिया जाए। अम्मा हमने आपसे कहा था नीलो फर से जाके हमारी शादी की बात करो, आप क्या क्लास लेके आ गई हो? ख्वातीनो हजरात, नीलो फर ने मुझसे कहा था कि वो आप लोगों का इंटरव्यू लेगी, आप लोग एक एक करके उसके पास जाएंगे और जो भी इंटरव्यू में कामयाब हुआ उसे वो लेके जहाज पे जाएगी आपके अलावा। अरे ये दोनों ही क्यों? अरे हम भी जाएंगे इंटरव्यू देने। वजीर अहमद, आप अपनी शक्ल यहाँ से गुम करें वरना खुले आसमान के नीचे आपको पंखे से लटका दिया जाएगा। चलिए बबन भैया, पहला कोशिश आप कर लीजिए। हाँ मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि नीलोफर सिर्फ बबन की है। हाँ देखते देखते जाइए। अभी तुम क्या भरम करा रहे हो? चलिए उठिए यहाँ से, जाइए ये जाइए जाइए, घूरिए मत, निकलिए। ला अम्मा तेरा किचन का बोर्डिंग पास देना। तू उठ जाके प्याज लेके आ, चल उठ। अरे इतना काम करा हम जरा तुमसे तो लोग। भाई हम तो पहले ही कह रहे थे कि तमाम कोशिशें बेकार क्योंकि आपके अब्बा मैदान मार चुके हैं। अब्बा तुम्हें तो अम्मा देखेंगी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि नीलोफर हम में से किसको चुनेगी शादी के लिए। भाई आप लोग का तो मेरे को नहीं पता, मेरा इंटरव्यू बहुत जबरदस्त गया, एकदम चकास। अब मेरे को इतना पता है कि अगर वो किसी की बेगम बनी तो बाबन की होगी। ऐसा बात नहीं है, इंटरव्यू तो हमारा भी अच्छा हुआ है, लेकिन आखिर में हम जरा थक गए थे इसलिए हम फिसल गए। अरे भाई करो डिस्कस, मगर शादी कार्ड पर तो हमारा ही नाम आएगा, वजीर अहमद। आप अरे अरे आप आ गए नीलोफर। हाँ एक काम कीजिए, जल्दी से बता दीजिए आपने हम में से किसी को चुना है। अभी भी सुनना बाकी रह गया है बच्चों। नीलोफर जल्दी से बता दीजिए कि किससे शादी करनी है आपने। अभी तो मैं जा रही हूँ, मेरी गाड़ी आ गई है।
अरे नहीं नहीं ऐसे कैसे जा रही है, बता कर जाइए ताकि हम कार्ड तो छपा लें। वो मैं मशवरा करके बताऊंगी। अरे मशवरा किससे करना है आपने? अरे अपनी अम्मी और अप्पा से, मतलब हमारी सास और ससुर से। जी नहीं, मैं मशवरा करूंगी अपने शौहर से। शौहर से मश जाओ। अरे जाओ। आपके महल्ले वाले भी काफी सॉरी छिछोरे। कोई डायलॉग अगर बोल देगा तो मेरे लिए आसानी होगी। यूं यूं और आप हमारे लिए जूस और खाना ला दिया कीजिए करे। आपके महल्ले वाले भी काफी छिछोरे हैं, इतने में आदि आ गया। आदि आ गया, वाह भाई वाह।